सो फार हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि 97% में आई एम अहमदाबाद हो पाएगा सर? डेफिनेटली आंसर इज यस, क्योंकि कैसे 97% में आपको हो पाएगा, तो इसके बारे में इस डिटेल्स में वीडियो में बताएंगे कैसे आपको आई एम अहमदाबाद में मिल जाएगा 97% में जनरल कैंडिडेट। सो वीडियो के एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, स्ट्रीम को लाइक ठोकिए। सो स्ट्रीम को लाइक नहीं ठोकने से आपको मोस्ट ऑफ 100 लाइक नहीं होने से इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सो खास करके हम लोग जब कैट देते हैं, हम लोग का दिमाग में रहता है 99% कैसे आ जाएंगे, लेकिन 99% में भी आपको काम होने वाला नहीं है। आई एम अहमदाबाद मिलने के लिए 99.9899997969 ऐसा परसेंटेज चाहिए, तो आप जगह जनरल कैंडिडेट बा वहाँ पर का स्टेज वन का कॉल आता है। तो इसके बारे में कैसे 97% में मिलता है, बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर 10th एंड 12th में आपको 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 ऐसा CGPA रहेगा, मतलब क्या ना, परसेंटेज बहुत हाई रहेगा, ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत हाई रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपको MTech किया हुआ है, MSc किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ है, MCOM किया हुआ है। उसके बाद क्या है ना, आपको शायद आपका ये चीज़ है, फॉरेन से MS डिग्री किया हो, फॉरेन से आपको जो ग्रेजुएशन किया हो वो आया है, मतलब भी MBA कर सकते हैं। इसका मतलब है इंडियन, वो 12th तक इंडिया में पढ़ा लेकिन फॉरेन में गया था मास्टर डिग्री करने के लिए, मास्टर डिग्री करने के एज वेल एज द बैकुलर डिग्री करने के लिए। तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री ऐसा कोई करके आएगा फॉरेन से, तो उसको डेफिनेटली क्या होता है, एक स्पेशल एडवांटेज मिलते रहता है बिकॉज ही इज़ ए गुड कैंडिडेट। ओके, एंड खास करके आपको क्या होगा, ये चीज़ PI में पकड़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक चीज जो मैं बता दूँ, हो सकता है कि आपका फॉरेन वर्क एक्स हो, मतलब क्या ना, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स इज़ वेरी हाई, वहाँ पर जाके आपको वर्क एक्स में ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन क्या है ना, जो 6 महीने से कम होने से आपको 0 मिल जाएगा, 5 साल से ज़्यादा हुआ तो आपको 0 हो जाएगा, लेकिन उसका जो वेरिएशन है फिर भी क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स में आपको थोड़ा सा हाई मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी इज ऑल्सो द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ टू स्कोर हाई इन कॉम्पोजिट स्कोर फॉर आई एम अहमदाबाद। तो यहाँ पर एक चीज दिमाग में ऑलवेज घुसा कर रखिए, 97% 96% में आपको आई एम अहमदाबाद पॉसिबल है, अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स हो 99.9x% नहीं होने से भी चलेगा, आपको 10th में बहुत अच्छा मार्क्स हो, 12th में बहुत अच्छा मार्क्स हो, ग्रेजुएशन का मार्क्स अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, आपका जेंडर डाइवर्सिटी है, तो आपको आई एम अहमदाबाद में 97% में कॉल आ जाएगा। एंड PI जॉब होगा उस टाइम, आप बताओगे हम फॉरेन से मास्टर डिग्री किए थे, हम फॉरेन से BTech BE किए थे, BSc किए थे, BS किए थे, तो ऑटोमेटिक आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब क्या है ना, यू मे बी सिलेक्टेड एज MBA एंड MBA कैंडिडेट फ्रॉम आई एम अहमदाबाद। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। एंड क्या होता है ना, वेरिएशन होते रहता है क्योंकि ऐसा ही है जनरल। एंड सीट आई एम अहमदाबाद का सीट कितना कितना है, फ्रैक्चर मतलब क्या ना, आपको कितना जनरल का कितना है, SC का कितना है, ST का कितना है, NC OBC का कितना है, एंड EWS PWD जो है ना वो वेरिएशन है, वो क्या है ना, हर ये जो 4 कैटेगरी जो मैं बता चुका हूँ उसी का हर जगह का EWS PWD होता है, PWD जनरल होता है, PWD NC OBC होता है, PWD SC होगा, PWD ST होगा। तो इसका कुल मिला के आप, मैं आपको बताता हूँ, आपका जनरल का सीट है, जनरल में सीट है आपको 194, SC में 58, ST में 29 एंड NC OBC में है 104, 104 सीट है। और एक बार मैं बता देता हूँ, जनरल में है 194, SC में है 58, ST में है 29, NC OBC में है 104। सो दिस इज द टोटल सीट ऑफ आई एम अहमदाबाद, उसके प्लस भी आपको PWD एंड आपको EWS का सीट है जो अभी दे चुका है NC OBC। EWS के लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म हो, एंड SC ST OBC का जो आपको परसेंटेज मतलब है टोटल सीट का, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। सो दिस इज द थिंग, एंड वन सेकेंड व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट यू मस्ट डू वन ऑफ द बेस्ट डूइंग थिंग दैट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन, यू मस्ट सीरियस अबाउट दैट, एज बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग का दिमाग से भूल जाते हैं ऐसा ऐसा करके प्रिपरेशन करना है। तो इस वीडियो में, इस चैनल में बहुत सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज, इस बिकॉज जो भी क्लिक कीजिएगा आई एम अहमदाबाद MBA A to Z आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द थिंग,
And once again, thanks for the watching this video. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. And don't forget to the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys.